जो गरीब दलित आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युदंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है, देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहां पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए